पर इसका 11 देखते हैं, इसका भी हमें प्रतिलोम निकालना है। तो पहले इसे मैं वर्ग अभिव्यूह ए मान लेता हूँ, यह 100 cos अल्फा sin अल्फा, 0 sin अल्फा माइनस का cos अल्फा, ये ना दिया है आपके पास। चलिए अगर मैं इसके सारणिक मान की बात करूँ तो क्या होगा, पहले ही रॉ से एक्सपेंड कर देते हैं, रॉ को लेकर, तो आपका बचेगा cos अल्फा sin अल्फा, साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, यही ना आएगा आपका। चलिए देख रहे हैं ना, पहला रो और पहला कॉलम हट गया, ये बचा आपका, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे ना, माइनस कॉमन होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, तो उसका वन माइनस वन हो गया, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, आपका बचेगा ये चारों, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस वन का वैल्यू हो जाएगा। ए 12 यह निगेटिव होता है, यह रहा और यह कॉलम गया, 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, तो भैया ये 0 हो जाएगा। ए 30 पॉजिटिव होता है, यह रहा और यह कॉलम गया, ये चारों आपका आ जाएगा, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। चलते हैं अगले, ए 21 निगेटिव होता है, यह रहा और यह कॉलम गया, आपका बचेगा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है ना, यह रहा और यह कॉलम गया, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो ये तो 0 आ जाएगा। ए 22 पॉजिटिव होता है, यह रहा और यह कॉलम, आपका बचेगा 100 माइनस कॉस अल्फा, यानी कि माइनस का कॉस अल्फा आ जाएगा। ए 23 चलिए, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव होता है, यह रहा और यह कॉलम गया, आपका 100 साइन अल्फा, ये ना बचेगा आपका, माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ए 31 पॉजिटिव होता है, यह रहा और यह कॉलम, ये चारों बचेगा, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, यानी कि ये 0 आ जाएगा। अब चलते हैं A32 तो निगेटिव होता है, देखते हैं क्या क्या बचता है, यह है ना एलिमेंट, यह रो और यह कॉलम गया, 100 साइन अल्फा, 100 साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा। A33 पॉजिटिव होता है, देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट बचता है, यह रो और यह कॉलम गया, ये चारों, 100 कॉस अल्फा, 100 कॉस अल्फा, यानी कि यहाँ से कॉस अल्फा आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में, सारे एलिमेंट को सजा दो जो को फैक्टर निकले हैं, माइनस का 100 फिर है 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और फिर आपका माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा का ट्रांसपोज। चलिए इसका ट्रांसपोज की बात करो तो माइनस 100 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही ना आएगा। चलिए अब इसके बाद देखो, तो हमें निकालना है ए का इनवर्स, तो इसका होता है 1/determinant of A (adjoint of A), तो 1/determinant of A इसका वैल्यू माइनस 1 और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना है आपका, माइनस 100 माइनस कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही ना है, ये माइनस 1 सबसे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो साइन सबका बदल जाएगा, यानी कि आ जाएगा 100 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और यहाँ माइनस का कॉस अल्फा, यानी कि सेम वही मैट्रिक्स ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इनवर्स भी निकाल के दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन